इस वीडियो में हम देखेंगे जो गोगो A1 का जो RTO अप्रूव्ड मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट है उसका आपको वायरिंग कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले कौन से कंपोनेंट्स आपको किट में मिलेंगे वो जान लेते हैं। ये आपका 17 इंच 2 किलोवाट का हब मोटर और स्विंग आर्म, ये आपका 72 वोल्ट 65 एम्पीयर का साइन वेव रिजनरेटिव कंट्रोलर, ये आपका एंटी थेफ्ट DC-DC कन्वर्टर, थ्रोटल विद फॉरवर्ड रिवर्स मोड, यूनिवर्सल स्विच जिसमें आप 3 स्पीड ऑफ स्पोर्ट मोड यूज़ कर सकते हैं, या आपका बैटरी एसोसी जो आपको बैटरी का परसेंटेज दिखाएगा, और एक वायरिंग हार्नेस, कंट्रोलर बॉक्स और बैटरी का ब्रैकेट। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम जो मोटर का फेस वायर और हॉल सेंसर वायर कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते जो फेस वायर है उसमें येल्लो ग्रीन ब्लू कलर है, और यहाँ पर कंट्रोलर में भी वही ग्रीन ब्लू और येल्लो कलर है, तो आपको कलर टू कलर कनेक्ट करना है। ये हो गया ब्लू में ब्लू, सेकंड आपका ग्रीन में ग्रीन, थर्ड आप येलो में येलो। ये आपका फेस वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये स्क्रू आपको प्रॉपरली टाइट करने हैं, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं रखना है यहाँ पे, नहीं तो इसमें स्पार्क हो सकता है। ये जो स्लॉट है यहाँ पे आपको हॉल सेंसर कनेक्ट करना है डायरेक्टली। सेकेंड स्टेप में आपका हॉल सेंसर कनेक्ट हो गया। अभी हम बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन देखेंगे। ये बैटरी का जो पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो मेन कनेक्टर जो बैटरी में लगेगा, इसमें से जो नेगेटिव है वो हम डायरेक्ट कंट्रोलर के नेगेटिव में देंगे, और जो पॉजिटिव है उसके बीच में आपका MCB आएगा जिसको आपको प्रोटेक्शन रहेगा। तो ये जो रेड वाला है ये B+ में जाएगा, और ये B+ में वायर कनेक्ट करते वक्त आपका जो वायरिंग हार्नेस में से एक राउंड पिन कनेक्टर आ रहा है जो की स्विच का इनपुट है उसको भी साथ में कनेक्ट करना है, जिससे आपका की स्विच में 72 वोल्ट पॉजिटिव इनपुट जाएगा। ये वायर देख सकते हैं आप वायरिंग हार्नेस से आ रहा है की स्विच का इनपुट और बैटरी का पॉजिटिव, और बैटरी का नेगेटिव डायरेक्ट आपके B- में कनेक्ट होगा। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन होने के बाद ये वाला जो सॉकेट है एंटी थेफ्ट का है, अभी इसको हम कनेक्ट करेंगे। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं एक 2 पिन का है जो इसका सप्लाई का वायर है, और ये इसके फंक्शन का वायर है। तो इसको आपको 2 पिन के सामने 2 पिन और 4 पिन के सामने 4 पिन कनेक्ट करना है। तो ये आपका सप्लाई का कनेक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन का कनेक्शन हो गया, ये आपका एंटी थेफ्ट का कनेक्शन सक्सेस हो गया। अभी ये जो वायरिंग आ रहा है मेन, इसमें आपके सारे फंक्शन है। अभी इसमें जो वायरिंग में टेप मारा हुआ है इसको आपको यूज़ नहीं करना है, इसमें प्रोग्रामिंग का फंक्शन है। यहाँ पे आपको एक 9 पिन का सॉकेट दिया हुआ है जिसमें थ्रोटल और स्पीड रिलेटेड सारे फंक्शन है, और ये 2 पिन का जो आप देख रहे हैं इसमें की स्विच का है, और ये जो 3 पिन का वायर है आपको DC-DC के लिए कनेक्ट करना है। तो अभी इसको हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट ये 9 पिन मेल और ये 9 पिन फीमेल को कनेक्ट करना है, फिर ये 2 पिन मेल फीमेल को कनेक्ट करना है, और थर्ड स्टेप में आप DC-DC कन्वर्टर को वो 3 पिन से कनेक्ट करेंगे। अभी ये ऐसे आप देख रहे हैं कि 2 वायर यहाँ पे ओपन रखे हुए रेड और ब्लैक, ये आपका 12 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हम ये सेकेंड वीडियो में देखेंगे इसको आपको बाइक में कैसे कनेक्शन करना है। अभी हम अपोजिट साइड में आएंगे वायरिंग हार्नेस के, जहाँ पे हम थ्रोटल और बैटरी एसओसी और की स्विच का कनेक्शन देखेंगे। तो ये थ्रोटल और यूनिवर्सल स्विच का जो है वो एक साथ में वायरिंग किया हुआ है 9 पिन का, तो उसको आपको 9 पिन को कनेक्ट करना है। फिर ये बैटरी एसओसी है, इसका 2 पिन है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको आपको 2 पिन में कनेक्ट करना है। अभी ये वाला जो 2 पिन है ये की स्विच का है, जो ऑलरेडी आपके बाइक में की स्विच है उससे कनेक्ट करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।